दिवाली पर जगमग दीपों से रोशन है भारत, रोशन है आत्मनिर्भर भारत का भविष्य। लेकिन इस रोशनी को देखकर चीन दुख में डूबा जा रहा है, क्योंकि इन दियों ने चीनी दियों को रिप्लेस कर दिया है। एक वक्त था जब दीपावली पर चीनी प्रोडक्ट छाए रहते थे, दियों से लेकर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तक, सजावट की बत्तियों से लेकर बंधनवार तक। लेकिन इस बार चीनी सामानों को भारतीय बाजार ने बाय बाय कह दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक इस दिवाली चीन को करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दिवाली पर भारत में करीब 70,000 करोड़ का कारोबार होता है, इनमें से 40,000 करोड़ के सामान चीन से मंगाए जाते थे। गलवान में हुई झड़प के बाद से ही चीनी सामानों का बहिष्कार चल रहा है। भारतीय कारोबारियों ने तय किया है कि दिवाली में भी चीन से सामान नहीं मंगाए जाएंगे। चीन को जहां इससे करारा झटका लगा है, वहीं कोरोना के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को ताकत भी मिलेगी, क्योंकि देशी सामानों की मांग बढ़ेगी। रोशनी के त्योहार दिवाली पर गम के अंधेरे में डूबा हुआ है चीन। भारत से पंगा लेकर चीन ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है, इसका इल्म उसे है और अब वो पछता रहा है, खींच रहा है, खींच में उठपटांग बातें भी कर रहा है। उसे चोट तो तगड़ी लगी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ग्लोबल टाइम्स ये मानने को तैयार नहीं कि दिवाली का चीनी सामान नहीं बिकने से उसे 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि ये आंकड़ा कैट का है। वो अजीब अजीब दलीलें दे रहा है। मसलन चीनी कंपनियों ने पहले से ही दिवाली से जुड़े उत्पाद बनाने कम कर दिए थे। ग्लोबल टाइम्स की दलील है कि चीन दिवाली के सामानों के मुकाबले क्रिसमस के सामान ज्यादा बेचता है, भारत से ऑर्डर नहीं मिल रहा। लेकिन चीन की दलील है कि बिना पूरा एडवांस लिए चीनी कंपनियां भारत को सामान नहीं दे रही। सीधे नहीं, लेकिन घुमा फिराकर चीन मान रहा है कि भारतीय बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। कोरोना ने पहले से ही झटका दिया था, और इधर भारतीय बाजार से चीनी सामान गायब होने से उसकी हालत और खराब हो गई है।